तो दोस्तों आज का वीडियो अटकी है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आज की जर्नी में हम आपको ले चलते हैं साथ, कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको दिखाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जिम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको कुछ हटके दिखाते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं जो आपने नहीं देखा है। तो आज का वीडियो बहुत खास है, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या आज। तो दोस्तों ये है मसीता वाली हेड, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। ये बहुत बड़ा हेड है, यहाँ से बहुत सारी नहरें निकलती हैं, यहाँ से जाती है बाड़मेर को, जो मेन नहर जाती है इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी में छोटी छोटी नहरें यहाँ से निकलती है। बहुत बड़ी एरिया में ये नहरें फैली हुई है, वो बहुत ज़्यादा पानी आप आस पास होते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ देखिए कचरा बहुत आ रहा है, केलिया जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाती है, इनको निकालना पड़ता है वरना नहर टूटने का डर रहता है। तो बहुत बड़ी नहर है यहाँ से निकलती है, अलग अलग नहरें ब्रांचें, और मेन नहर जैसलमेर बाड़मेर जाती है वो भी यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे एक बार एक दुर्घटना भी हुई थी बहुत बड़ी, लोग कहते हैं कि यहाँ पूरी की पूरी बस नहर में गिर गई थी, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया, पूजा पाठ की गई। तो यहाँ पर बालाजी और शिव जी का मंदिर भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा शोर होता है दोस्तों यहाँ पर, आपको डर लगने लगता है, दिल दहलने लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। आसपास खड़े होते हैं तो मन बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है। और बहुत बड़ी नहर है, देखने में छोटी लग रही है लेकिन आप पास से देखो तो बहुत बड़ी है, और आवाज़ इतनी डरावनी डरावनी होती है यहाँ पे पानी की। तो ये देखिए अलग अलग नहरें निकल रही है यहाँ से, ब्रांचेस निकल रही है, और मेन नहर इंदिरा गांधी जो जैसलमेर को जाती है वो भी यहाँ से निकलती है। यहाँ से आगे जाते जाते नहरें छोटी होती जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी हेड है ये मेन मसीता वाली हेड, बहुत से लोगों ने देखा होगा लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा। मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा है, किसी काम से हमें यहाँ से जाना था तो हमने यहाँ कर लिया वीडियो शूट, बहुत अच्छी चीज़ लगी देखने को और आप लोगों को दिखाती हैं इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इनका जो कर्मचारी वगैरह रहती है उनका यहाँ बना हुआ है। और ये है शिकायत वगैरह, इसमें डाल सकते हैं अपनी क्या शिकायत है, क्या है नहर के बारे में जो संबंधित जानकारी है वो। ये देखिए दोस्तों किस तरह से लहरें उठ रही है, डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं तो किस तरह वाले पा रहा है पानी, लहरें उठ रही है, बहुत डर लगता है, दिल दहलने लगता है। और ये देखिए इस तरह से लोहे से बने हुए हैं गेट, जो ऊपर उठाए जाते हैं गिराए जाते हैं। अभी गेट कुछ बंद है लेकिन फिर भी पानी बहुत सारा निकल रहा है बंद गेट में। ये देखिए गेट बंद है लेकिन पानी कितना निकल रहा है, पूरा खुला नहीं है गेट। तो यहाँ से आपको अलग अलग गेट दिखाती हैं, ऊपर की साइड है गेट बंद, खोलते हैं तो ये अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। मैंने भी पहली बार देखा है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, जितनी नॉलेज मुझे है वो सब आपको बताती हूँ, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये केलियाँ देखिए एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं कर्मचारी होते हैं वो, फिर सफाई हो जाती है नहरों की। और बहुत टाइम बाद बंदी चल रही थी नहरों की, तो बहुत टाइम बाद नहरों में पानी आया है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, और मंदिर भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर बालाजी का मंदिर बना हुआ है। दोपहर का टाइम है, मंदिर फिलहाल तो बंद है, सुबह शाम खुलता है, लेकिन आपको बाहर से दर्शन करवा देते हैं। तो हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लीजिए, बालाजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, जो आपकी इच्छा है वो अधूरी ना रहे, सभी पूरी हो। तो दर्शन कर लीजिए, अगर भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो पहले हम दर्शन कर लेते हैं, दोपहर का टाइम है, मंदिर तो बंद है लेकिन बाहर से दर्शन कर लेते हैं, आराम से दर्शन हो जाते हैं और सारा एरिया आपको दिखा देते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, फिलहाल बंद है तो बाहर से आपको अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए कितना बड़ा एरिया है मंदिर का, और शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है, तो दोनों मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। एक बार यहाँ घटना हो गई थी, उसके बाद मंदिर बनाया गया, पूजा पाठ करवाया गया। तो ये देखिए आसपास बहुत सारा एरिया पड़ा हुआ है, और बहुत सी यहाँ से सड़कें निकलती है अलग अलग। तो मंदिर के दर्शन आपको करवा दिए, अभी थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं हेड को एक बार फिर से, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।